एज अ डॉक्टर हम ये मानते हैं कि यदि आप एक साल से रेगुलर अनप्रोटेक्टेड बिना किसी कॉन्डम या बिना किसी भी साधन को उपयोग करे एक वेल फर्टाइल पीरियड में इंटरकोर्स कर रहे हैं और फिर भी अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो उसको इनफर्टिलिटी कंसिडर किया जाता है। मतलब सबसे पहले समझने की बात यह है अनप्रोटेक्टेड, मतलब आप ना ही कोई कॉन्डम, ना ही कोई पिल्स, ना ही कोई कुछ भी, आपने कोई भी साधन यूज नहीं किया है, वेजाइनल कॉन्डम्स कुछ भी यूज नहीं किया, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हैं, रेगुलर इंटरकोर्स कर रहे हैं। रेगुलर से क्या मतलब है? ऐसा नहीं कि अगर हमारी 28 से 30 दिन की साइकिल है तो हमने भाई साइकिल में भाई हम तो रेगुलर इंटरकोर्स कर रहे थे मैडम। इंटरकोर्स क्या किया? हमने साइकिल में दो बार इंटरकोर्स कर लिया, एक बार हमने पीरियड के बाद कर लिया था और जब दूसरा पीरियड आने वाला था तब कर लिया, ये रेगुलर इंटरकोर्स नहीं है। तो जो फर्टाइल पीरियड होता है उसको हम इस तरह से बता सकते हैं कि अगर किसी को 28 से 30 दिन की साइकिल है तो जो आपका जब भी आपको पीरियड आया उससे 14 दिन बाद, 13 से 14 दिन बाद हम ये मानते हैं कि आपका ओव्यूलेशन वाला पीरियड होगा, तो आपके उसके 4-5 दिन पहले और 4-5 दिन बाद। तो अगर किसी महिला को 28 से 30 दिन का साइकिल है तो उसके बीच के 10 से लेके 18वें दिन तक, पीरियड के पहले दिन से आप 10वां दिन काउंट करिए, पीरियड के पहले दिन से आप 18वां दिन काउंट करिए, तो जो बीच के 8 दिन हैं ये हम मानते हैं कि ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल पीरियड होता है। इस बीच में जो कि डिक्टम कहता है, जो कि गाइडलाइंस कहती हैं, आपको एटलीस्ट 48 आवर्स में, मतलब ऑल्टरनेट डे इंटरकोर्स ज़रूर करना चाहिए। जो स्पर्म होता है उसकी अपनी बॉडी में लाइफ स्पैन होता है 48 से 72 आवर्स, मतलब 2 से 3 दिन वो अपनी बॉडी के अंदर जिंदा रह सकता है। और जो अंडा होता है, जब ओव्यूलेशन होता है, जब अंडा रिलीज होता है, तो उसकी लाइफ स्पैन होती है 24 घंटा। तो अगर आप इस बीच में एक दिन छोड़ के एक दिन इंटरकोर्स करेंगे तो चांसेस प्रेगनेंसी लगने के सबसे ज्यादा होते हैं। और दूसरी चीज, जब भी आप इंटरकोर्स करते हैं तो जो भी महिलाएं हैं वो एटलीस्ट इंटरकोर्स के बाद 45 मिनट तक लेटी रहें और अपने हिप्स के नीचे तकिया लगाएं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि नॉर्मली भी जो स्पर्म, जो हस्बैंड का वीर्य होता है, जो इजैकुलेट होता है, उसका लिक्विफैक्शन, मतलब वो पानी की तरह निकल जाता है लिक्विफाई होके 30 मिनट के अंदर। तो अगर हम 45 मिनट तक महिलाएं लेटी रहती हैं और अपने हिप्स को थोड़ा सा ऊपर करके रखती हैं तो जो हस्बैंड का डिस्चार्ज निकला है उसको और चांसेस हम देते हैं कि वो अंदर रहे और उसमें से स्पर्म अंदर बच्चेदानी के अंदर जा सके। तो हम प्रोबेबिलिटी को इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। जो 35 साल से ऊपर की महिलाएं हैं उनके लिए साल भर वाला क्राइटेरिया फिट नहीं बैठता, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे एग की क्वालिटी और स्पर्म की क्वालिटी दोनों ही खराब होती जाती हैं। तो अगर आप 35 साल से ऊपर हैं तो हम ये एक साल के पीरियड को 6 महीने पे लेके चलते हैं, या फिर यदि आपको पहले कोई सर्जरी, आपकी ट्यूब या ओवरी से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई है, आपको PCOS की दिक्कत है, आपको कोई हार्मोनल इंबैलेंस की प्रॉब्लम है, जैसे आपका थायराइड बढ़ा हुआ है या प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है, तो आपको डॉक्टर के पास जल्दी जाना चाहिए। जो मेल्स होते हैं उनमें भी थायराइड और डायबिटीज रूल आउट होना चाहिए, उनमें भी उनके स्पर्म का एनालिसिस होना चाहिए, उनके स्पर्म का सीमन कल्चर और सेंसिटिविटी होनी चाहिए, क्योंकि एक बच्चा लगने के लिए जितनी महिला रिस्पॉन्सिबल है उतने मेल्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आपके इजैकुलेट में या आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो यूरोलॉजिस्ट को बिल्कुल कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है।